नमस्कार दोस्तों, नमामि गंगे हर हर गंगे। मैं अभी खड़ा हूँ उस शिला पर जो मनिहारी में बहुत ही पुराने समय से है, और जब भी गंगा नदी का जलस्तर जो है नीचे जाता है, गंगा जी जब सूखती है तो जो है ये शिलाएं जो है बाहर निकल आती हैं। एक शिला जो सामने दिख रही है वो भी एक शिला है, हालांकि खंडित शिला है, लेकिन फिर भी जो है हर साल वो निकल आती है। और ये एक दूसरी शिला पर जिस पर मैं खड़ा हूँ, यह एक दूसरी शिला है। यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और फ़ोटो वगैरह तस्वीरें वगैरह लेकर खींच कर यहाँ से जाते हैं। यह किस प्रकार की शिला है, जैसा कि लग रहा है आग्नेय चट्टान जिस प्रकार नहीं होती उसी प्रकार का ये लग रहा है। नीचे जो दिख रहा है इंच देख सकते हैं, ये है, सब टूटे हुए हैं। अभी जो है विशाल रूप में सिर्फ यही है, ये भी जो है बीच से कहीं कहीं फटी हुई है। और ये देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ है, अंतर्देशीय जो ये चुकी है राष्ट्रीय जल क्रमांक नदी क्रमांक एक है, गंगा नदी पर अवस्थित ये मनिहारी घाट का जो है यह मार्ग जो है राष्ट्रीय नदी जल क्रमांक एक है, और यह प्रकाश स्तंभ है मनिहारी का। इसी के बिल्कुल पास ही जो है यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों की कोठी हुआ करती थी, अभी भी कोठी है लेकिन अभी जो है उसमें जमींदार परिवार के लोग रहते हैं। उसके बगल में जो है प्रकाश स्तंभ के बिल्कुल आगे जो है एक पोखर है जिसे नीलहा पोखर कहा जाता है, और प्रकाश स्तंभ के बिल्कुल पास ही जो है नीलहों की कोठी हुआ करती थी। अंग्रेज जो नील की खेती कराते थे किसानों से, तीन कठिया पद्धति जो थी होती थी, जिसके बारे में गांधी जी ने आंदोलन किया था चंपारण में, तो उसी का उस तरह की चीज़ें जो है यहाँ मनिहारी में भी हुआ करती थी। मनिहारी जो कटिहार ज़िले का एक हिस्सा है, पहले जो है पूर्णिया ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। और आपने पीछे देखा, पीछे जो चट्टान की शैली है, इधर जो दिख रहा है कुछ चूँकि कटाव निरुद्धिकारी हुए थे उसके दिख रहे, और वो देखिए कुछ जो है शिलाओं में जो है छिद करके पक्षी वहाँ पर रहते हैं, इसलिए उस तरह दिख रहे हैं। और ये शिला जिस पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचाने भी आते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर, हालांकि यहाँ का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अगर प्रशासन, मनिहारी प्रशासन जो है पर्यटन की दृष्टि से इस स्थल को जो है थोड़ी सी से चूँकि साल में जो है यह 7 महीने जो है ये 7 महीने तो ये निकला रहता है पांच जल से, गंगा जल के नीचे से निकला रहता है, और बाकी समय में जो है 4 से 5 महीने ये पानी में डूबा रहता है। तो अगर इन 7 महीनों के लिए भी अगर सरकार इस पे जो है यहाँ का जो प्रशासन है कुछ इसमें जो है सुविधा करे लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, तो यह बहुत ही अच्छा स्थल जो है पर्यटन के रूप से मनिहारी को लाभान्वित कर सकता है। इसी स्थल की का जिक्र जो है मैं बारंबार करता भी रहा हूँ, और जब भी गंगा किनारे में आता हूँ तो यह स्थल देखने को मिलता है। यह मनिहारी मणिकर्णिका घाट और हटिया घाट के बिल्कुल बीच में पड़ता है, जो कोठी है ये कोठी के पास अवस्थित है। और प्रकाश स्तंभ आपने देखा, ये यहीं का दृश्य है, बहुत ही बिल्कुल मनोरम दृश्य है। यहाँ जब भी आप आएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, और यह स्थल बहुत ही सुंदर स्थल है क्योंकि यह गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है। यहाँ पे जो छोटे छोटे नाव है, नाव भी लेकर के लोग यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। और प्रशासन अगर व्यवस्था करे, अच्छी व्यवस्था करे, तो प्रशासन को भी फायदा होगा, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है। और पर्यटन की दृष्टि से मनिहारी को जो विकसित करने की योजना केंद्र सरकार की चल रही है नमामि गंगे के तहत, अर्थगंगा के तरह, तो इसका फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और पर्यटन के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, विदेशी लोग भी बहुत सारे आते जाते रहते हैं, और जो स्थानीय जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग, नेपाल के लोग, भूटान के लोग भी मनिहारी गंगा घाट आते हैं, तो उनको भी जो है यह स्थल देखने को मिलेगा, और इस स्थल के बारे में, इतिहास के बारे में जानने की उनकी आकांक्षा रहेगी, और कुछ जानकारी वो भी मिल सकता है। इस तरह से जो है हम मनिहारी को जो है एक पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा जो है अच्छा स्थल बता सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को, क्योंकि मनिहारी में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और बहुत सारी जानकारी तो क्या किसी को सूचना नहीं होने के कारण लोग वहाँ जा नहीं पाते, वहाँ के का रास्ता मार्ग उन्हें पता नहीं है, सूचना उनको नहीं होती कि क्या है, कहाँ जाना है, क्या देखना है। ये देखिए यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, वहाँ भी देखिए कितना लंबा है, वहाँ तक है, फिर इधर भी आप देख सकते हैं, यह ऊँचाई पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से गंगा जी का दृश्य देखिए कितना मनोरम दिख रहा है। और सामने भी एक टीला है जो निकला हुआ है गंगा जी से,
और सामने जो है था देखिए जल जल के बाद जो है देरा क्षेत्र है, इधर भी देरा क्षेत्र है, देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, इन्हीं बातों को रखने के लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद।